Assalamu alaikum, this is Mohammed Zia. Or in this video we learned PowerPoint presentation, how to make a presentation. ये हमने previously class में discuss किया था किस तरीके से हम presentation को अपनी बना रहे होते हैं. आज basically हम इन options को end की तरफ लेके जाएंगे और इसके अंदर हम लोग slide को review और views को discuss करेंगे. ठीक है, ये चीज़ें हम आज discuss करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास जो option है वो हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं. पावर पॉइंट में सबसे पहले आपने एक चीज़ पढ़ी थी जब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करवाया था मैंने, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन मैंने बना लिया, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करवाना है, इट्स मीन डैट कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को F5 करके मैं जो स्लाइड शो करवाता हूँ वही ऑप्शन मेरे पास स्लाइड शो के टैब्स में आ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन है. और इसके ऑप्शन के अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो स्टार्टिंग पे स्टार्ट हो जाएगी. अच्छा, उसके बाद मैंने इस पर लास्ट टाइम जो प्रेजेंटेशन आप लोगों को करवाई थी इसको साउंड इफेक्ट वगैरह अप्लाई किए हुए थे ट्रांजेक्शन पे, वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ. चलो मैं साउंड कर देता हूँ. उसके बाद से फ्रॉम करंट स्लाइड शो. अब ये समटाइम बहुत इशू होता है कि अक्सर हम लोग काम करते होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अभी स्लाइड नंबर 6 पे मौजूद हूँ और मुझे स्लाइड शो के अंदर डायरेक्टली अपनी उस स्लाइड को डिस्कस करना है, स्लाइड को देखना है. तो मैं जब F5 करता हूँ तो क्या हो रहा है, फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग से वो चीज़ स्टार्ट हो रही होती है, बट मुझे वो स्टार्टिंग से शो नहीं करनी. मुझे क्या करनी, करंट स्लाइड शो, जिस स्लाइड पे मैं स्टे था उस टाइम वही स्लाइड शो जो है वो मैंने चेक करनी है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम करंट स्लाइड शो, ठीक है, ये हम करेंगे. या तो इसकी शॉर्ट की होती है, शिफ्ट के साथ F5 आप प्रेस करोगे तो भी आ जाएगी. ये मेरे पास आ गया फ्रॉम करंट स्लाइड शो, ठीक है. दोनों ऑप्शन है हमारे पास, हम करंट स्लाइड शो को भी डिस्कस कर सकते हैं और शिफ्ट F5 भी कर सकते हैं, शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है. देन मैं एस्केप करता हूं. उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है. ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सर्विस आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, स्लाइड शो आपको पता है कोई भी चीज दिखाना, ठीक है. अब कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्जी से दिखाना. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेक्चर है, मैं एक लेक्चर में काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे जो काम करना है मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल अभी 13 स्लाइड्स है, बट आज के लेक्चर में मुझे सिर्फ 5 स्लाइड डिस्कस करनी है और उसको कोई स्लाइड 3rd है, 4th है, 8th है, 9 है, डिफरेंट स्लाइड्स हैं. तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं वही स्लाइड डिस्कस करूँ जो मुझे आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है. अगर मैं F5 करूँगा तो क्या होगा कि सारी स्लाइड शो मुझे डिस्प्ले होंगी, ठीक है, सारी स्लाइड शो मुझे डिस्प्ले होंगी, बट मुझे सारी स्लाइड शो नहीं देखनी. मुझे क्या देखना है, इंडिविजुअली स्लाइड्स देखनी है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले कस्टम शो में जाऊंगा और कस्टम शो पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाऊंगा. न्यू पे जब जाऊंगा तो तमाम स्लाइड्स के टाइटल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. अब जो जो स्लाइड्स मुझे ऐड करवानी है उन पे मैं चेक लगाऊंगा. ठीक है, और चेक लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया उसको, ये क्या हो गई, ऐड हो गई. ओके करें. अब फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अगर कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन, आज का मेरा टॉपिक जैसे HTML का, और मैं HTML के टॉपिक के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को शो करवाना जा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कस्टम शो पे आया, कस्टम शो पे आने पर शो वन पे जैसे क्लिक करूंगा अब मुझे वही स्लाइड डिस्प्ले होंगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यही स्लाइड मुझे डिस्प्ले हो रही है जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा कि सेटअप स्लाइड शो. सेटअप स्लाइड शो के अंदर कुछ ऑप्शन इस तरीके से होंगे कि जैसे मैं सेटअप स्लाइड शो पे जाऊंगा, सेटअप स्लाइड शो पे जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा स्लाइड शो के अंदर, ये मेरे का ऑल स्लाइड, जब आप F5 करते हो तो ऑल स्लाइड आपको डिस्प्ले होती है. फ्रॉम के अंदर आप क्या कर सकते हो, रेंज डिफाइन कर सकते हो, स्टार्ट और एंडिंग की जो भी रेंज होगी वो आप डिफाइन कर दो. फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो स्लाइड 3 से
स्लाइड 7 तक के स्लाइड अपनी शो करवानी होगी। जब मैं F5 करूँगा तो मुझे वही स्लाइड शो डिस्प्ले होंगी जो वहाँ पे मैंने रेंज अपनी बताई हुई है, ठीक है। तो ये सारे काम आप यहाँ से करोगे सेटअप। कस्टम शो पे जब आप F5 करोगे तो जो आपने कस्टम शो के अंदर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वही स्लाइड शो आपको F5 प्रेस करने पर डिस्प्ले होंगी। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F5 करता हूँ, स्लाइड शो हो रही है, एंड हो गई और ये क्लोज हो गई, दोबारा क्लोज हो गई। मैं चाह रहा हूँ ये उस वक्त तक की क्लोज ना हो जब तक कि आप एस्केप प्रेस ना कर दो, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। इट्स मीन दैट कि आपकी प्रेजेंटेशन उस वक्त तक के कंटिन्यू रहे जब तक कि आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस नहीं कर देते, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ये उस टाइम में हम यूज करते होते हैं जब इस स्लाइड को आपने किसी ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ पे इसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, या आप चाह रहे हैं कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट के तौर पे चलती रहे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें काम करती है। छोटे छोटे एनिमेशन जब आप बना रहे होते हो कार्टूनिक टाइप की, वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके करता हूँ, चेक करवाता हूँ आपको, अभी देखिए अभी क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। क्यों क्लोज नहीं हो रही, क्योंकि हमने चेक लगाया लूप अंटिल एस्केप, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड्स है उनको हाइड करना है, जो स्लाइड आप हाइड कर रहे हो, देखो यहाँ पे जो है वो एक चेक बन जाएगा, क्रॉस लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या कहते हैं, आपकी स्लाइड्स को हाइड कर रहा है, सही। अब जब मैं F5 करूंगा तो जो स्लाइड मैंने हाइड की हुई है वो डिस्प्ले नहीं, क्लियर होगी बात। शो करवाना है उसको, उसी पे आप चेक हटा दोगे, ये आपके पास है। अच्छा, अब हमारे पास है रिसर्च रिहर्सल टाइमिंग। टाइमिंग में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं। ये ऑप्शन हमारे पास उसमें यूज किया जाता है, जैसे कि आप अगर कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो और प्रेजेंटेशन देते वक्त इंडिविजुअली आप अपनी स्लाइड पे देखना चाह रहे हो कि मैंने कितनी देर किस स्लाइड पे टॉक किए टू आवर पब्लिक, किस तरीके से लोगों से बात की है, कितनी देर टाइमिंग दे के मैंने बात की है, तो यहाँ पे आपके पास एक टाइमिंग आ रही है। जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो आपके पास क्या हो गया, इस न्यू स्लाइड की टाइमिंग जो है दोबारा स्टार्ट हो गई और यहाँ पे आपकी टोटल टाइमिंग जो है कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। तो ये टाइमिंग का ऑप्शन भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, खासतौर पर ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, तो वहां पे हम इन चीजों को यूज करते होते हैं, ठीक है। स्केप करोगे तो खत्म हो जाएगा। अभी आपसे पूछता है कि आप अपनी टाइमिंग को शो ऑफ करवाना चाह रहे हो, टोटल टाइमिंग जो आपकी हुई है प्रेजेंटेशन की 41 सेकेंड्स की हुई है, यू वांट टू सेव दिस स्लाइड टाइमिंग, यस, ठीक है। ये टाइमिंग जो है वो आपकी सेव हो गया। अब अगर आप इस टाइमिंग को चेक करना चाह रहे हो तो आप इस पे आओगे, व्यू पे आओगे, व्यू पे आने के बाद स्लाइड शूटर का ऑप्शन होता है, स्लाइड शूटर पे आओगे तो आपको पता लग रहा है कि कितनी देर आपने किस स्लाइड पे स्टे किया है, ठीक है। वापसी नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्लाइड शो, जो भी आप स्लाइड शो कटवा रहे हो आप उसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो, ये भी वही ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसमें टाइमिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। करंट स्लाइड शो सारी सेव करोगे तो आपके पास आ रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, आपकी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग जो है वो रिकॉर्ड हो गई। बाकी अपने डिफॉल्ट ऑप्शन को आप इसी तरीके से रखोगे, प्ले नरेशन वगैरह ये सारी चीजें आपकी ऐसी रहेंगी और मॉनिटर स्क्रीन ये भी बाय डिफॉल्ट रहेगी स्क्रीन साइज। रिव्यू के अंदर सारे ऑप्शन आपने पहले से पढ़े हुए, मोस्टली ऑप्शन स्पेलिंग ग्रामर का, यहाँ से स्पेलिंग ग्रामर आप चेक कर सकते हो। कमेंट्स, किसी भी चीज पे कोई कमेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हो, कमेंट्स हम कहते हैं किसी के बारे में अपनी राय देना, किसी तरीके से आप न्यू कमेंट अप्लाई करना चाह रहे हो, आप एज अ कमेंट बॉक्स में कमेंट अप्लाई कर सकते हो, कमेंट आपके पास अप्लाई होगी, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो कमेंट आपको शो हो जाएगा।
ठीक है, ये लिखा हुआ है गुड डॉक्यूमेंट, इसी तरीके से और भी कोई कमेंट होंगे तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कोई कमेंट आपने डिलीट करना क्लिक करो उसको डिलीट करो, कमेंट आप डिलीट कर सकते हो, नेक्स्ट पेजेस आप यहाँ से कर सकते हो, शो कमेंट्स पैनल जो है वो हाइडन शो कर सकते हो, जिससे पैनल आ रहा है पैनल आप हाइडन शो कर सकते हो, दो प्रेजेंटेशन को आप आपस में कंपेयर करवाना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो, इसी तरीके से आप व्यू पे आओगे, व्यू पे आने के बाद अब प्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से देखना चाह रहे हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से देखना चाह रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल स्लाइड शो देखते हैं, आप अगर स्लाइड आउटलाइन व्यू देखना चाह रहे हो तो स्लाइड आउटलाइन व्यू के अंदर आपके पास क्या होगा, जस्ट उनके टेक्स्ट शो करेगा, आउटलाइन शो करेगा, जो उसके अंदर हेडिंग है आप जिस हेडिंग पे क्लिक करोगे वो हेडिंग आपके पास जाएगी, ठीक है, ये आपके पास क्या है आउटलाइन व्यू। स्लाइड शूटर आपने अभी देखा था, तमाम स्लाइड्स जो आपको खोल के सामने आ जाती है, इसमें से आप डायरेक्टली देख सकते हो किस स्लाइड पे काम करना है, क्या करना है, आगे पीछे करना है, वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, तमाम काम आप कर सकते हो, मूवमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग नरेशन भी दे रहा होता है, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग भी बताना होता है। नोट, अब ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्लाइड्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो अपने कॉन्टेंट को एज अ पॉइंट वाइज हम शो करेंगे, ज्यादा अपने कंटेंट को हम शो ऑफ नहीं करते, बात ज्यादा से ज्यादा हम अपनी पॉइंट के अंदर करते हैं। अब अगर आपने किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन देनी है तो आपके पास आप जिसने एक चीज देखी होती होती है स्लाइड नोट लिखा हुआ रहा होता है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जब आप स्लाइड पेज नोट करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है, मतलब टेक्स्ट से रेलेवेंट। अच्छा, ये आपको जो है प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हो कि वहां भी शो नहीं होगी, ये आपकी आसानी के लिए एक डॉक्यूमेंट कि आप इसको शो आउट करवा सकते हो, ठीक है। रीडिंग एमएस वर्ड में जिस तरीके से होता था रीडिंग लेआउट, रीडिंग लेआउट की तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड मास्टर है, प्रेजेंटेशन व्यू में आप प्रेजेंटेशन व्यू भी दे सकते हैं, मास्टर व्यू भी दे सकते हैं, हम लोग नॉर्मली जो है प्रेजेंटेशन व्यू चेक कर रहे होते हैं। रूलर पे आओगे तो रूलर आप जो हाइट एंड शो ग्रिड लाइन जैसे ग्राफ वगैरह बनाने के लिए आप यूज करते हो तो ये आपके पास सारी बॉक्सेस लाइन आ रही है। गाइडलाइन, गाइडलाइन आपके पास शो हो जाएगी, और इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस आपको बता रहा होता है। पेज नोट, नोट का एरिया आपको जो है शो हो रहा है, इस तरीके से मैंने लिखा था यहाँ पे हाइट करना, आप हाइट कर सकते हो। प्रेजेंट व्यू डायरेक्शन, व्यू डायरेक्शन जो है वो आपके पास लेफ्ट टू राइट है, आप राइट को लेफ्ट भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जूमिंग नाम से आपको पता लग रहा है कितना जूम करना चाह रहे हो, कितना नहीं करना चाह रहे, आप इसको जूम कर सकते हो, फिट टू विंडो कर लो फिट टू विंडो हो जाएगा। उसके बाद कलर स्केल, आप यहाँ पे ग्रे स्केल भी देख सकते हो, वापसी कलर स्केल होगी है, ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप देख सकते हो, सही सारे आपके पास कलर थीम आ रही है, ये किस कलर थीम में आप उसको देखना चाह रहे हो। फिर आपके पास है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या काम करोगे कि एक से दो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाता है वो डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट होने के बाद अगर आप उसको अरेंज ऑल करना चाह रहे हो तो अरेंज ऑल भी कर सकते हो, दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ अरेंज करवा सकते हो, ये भी आप काम कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप जो है इसके अंदर एक और ऑप्शन आ रहा होता है कास्केडिंग, दोनों डॉक्यूमेंट जो है आपके पास तरीके से एक्टिव हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, दोनों प्रेजेंटेशन आपके पास शो हो जाती है, सही। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है मूव स्प्लिट है, ब्रेक करना हो, स्विच विंडो करना हो, मैक्रो करना हो, ये आपने एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग पर्पस में ये नॉर्मली हम यूज करते होते हैं सारे काम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली हमारा पावर पॉइंट एंड हुआ है, और पावर पॉइंट के अंदर हमने आज जो डिस्कस किया स्लाइड शो रिव्यू एंड व्यू को डिस्कस किया है, तो ये आपकी आज की लास्ट क्लास की पावर पॉइंट की उम्मीद है, क्लास अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ में आई होगी, कोई चीज अगर आपको प्रॉब्लम कर रही हो, कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो इसको आप जो है वो कमेंट में भी बता सकते हो, बता ये भी आप बता सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो लाइक जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।